आदाब नाजरीन, आईए टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। राजेंद्र नगर में वाक़ खिजरा गेटेड कम्युनिटी में रहने वालों ने मौजूदा पार्लियामान इंतखाबात के बैकाट का फैसला किया है। इस कम्युनिटी में 10,000 मकानात हैं और तकरीबन 12,000 अफराद रहते हैं। कम्युनिटी के सदर डॉक्टर मोहम्मद अली और दूसरे नुमाइंदों एम ए हमीद और मोहम्मद मसीह ने बताया कि उनके पास पीने की पानी की शदीद किल्लत है। मौके में आबरासानी और मुतालिका रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ से मुतअद्दिद बार नुमाइंदगी की गई, लेकिन अब तक भी उनके इस मसले का कोई हल नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के मौसम में तो सब वोट मांगने आते हैं, लेकिन उनके मसाइल से किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। कम्युनिटी के मकीनों ने आज बाब दाखला पर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा भी मुनज़्ज़म किया ताकि हुक्काम की तवज्जो मबजूल करवाई जा सके। आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हमीद, एमए हमीद। मैं जो है रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर हूँ। मैं रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर हूँ। हम लोग 10 साल से यहाँ पे हैं। पानी का बहुत प्रॉब्लम है और इस साल तो जो है ना नहाने के लिए ना मुँह धोने पेशाब पैखाने को तक पानी नहीं है। क्या सजा है हमारे लिए क्या रहने के लिए? समझे, जब भी जरूरत है वोटन जरूरत होते आते हैं, बाद में चले आते हैं और मैनिफेस्टो बनाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैनिफेस्टो सब बेकार है। पानी के लिए हम 1200 रुपए टैंकर दें, वो भी वक्त पर नहीं आ रहा हमारे को। क्या है, कितने साल से ऐसा? हम 10 साल से हम लोग यहाँ पे। समझे, तो कौन है आपके यहाँ एरिया की लीडर? कौन है आपके एरिया की लीडर? जय वो पीआरएस का प्रकाश गौड़ है। प्रकाश गौड़ साहब कई बार मिले, आए बार बार बोले के हमारे बार बार हम तवज्जो दिलाए तो वो बोले के जे हमारे फंड से दिलाएंगे, हमारे फंड से दिलाएंगे। इलेक्शन हो गया, बर्खास्त, पहचान गई नहीं किसी को। क्या फायदा ऐसे लोगों से मिल के? ये हमारे लिए बहुत बड़ी सजा है साहब। छोटे छोटे बच्चे अब तक वो हमको सजा दिए, इस बार हम उनको वोट नहीं देंगे। अब जब भी हमारे पास आएंगे हम उनसे बात भी नहीं करेंगे। हम ये तय कर लिए कि उनको सजा देंगे। वो हमको सजा दिए हैं, हम उनको सजा देंगे। अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे। समझे, नो वाटर, नो वाटर। साहब आपका नाम बोलिए सर। मेरा नाम मोहम्मद मसीहुद्दीन। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है साहब? पेंशनर हूँ मैं, रिटायर्ड अकाउंट्स ऑफिसर फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट है। हम 15 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, खरीद के करके कुछ तो कुछ डेवलप होता बल कुछ हो रहा है। और जैसे पानी के लिए हम इतनी मौत मर रहे हैं और कुछ पूछे जाना नहीं। हम पानी के वास्ते हम टैंक को बुक करें तो 2-2 दिन लग रहे हैं और वो भी जो है सो 1500 दे के हम बहुत 12-1 बजे तक इंतज़ाम करना पड़ रहा है। हमारे को बहुत पानी के लिए पीने के वास्ते तो अभी अब उसके वास्ते पूछने की जरूरत नहीं है। मुंह धोने के, हकने के वास्ते, हर चीज़ के वास्ते पूरे छोटे छोटे बच्चे। इस बार इलेक्शन में आप क्या करना चाह रहे हो? अब हम नहीं देंगे, हम वोट नहीं, वोट का नहीं देने का सवाल नहीं होता है। इन लोगों को सबक सिखाना चाह रहे हैं हम। इन लोगों को कैसा सबक सिखाना है हम सिखाते, बस उल्ला हमारा। आपने लिख के लगाया कि आप लोग आपके ये साल पानी नहीं है वोट नहीं देंगे। ये साल नहीं होता, हर साल असेंबली इलेक्शन में बोले, ये इलेक्शन में बोल रहे और कितना आपके वोटर। हमारे को यहाँ से वोटा नहीं मिल रहे, हम नहीं करते। हम सुने, ये सुने, ये कहाँ तक सही है? ये हम हिंदुस्तान में है, तेलंगाना में है और कहाँ है हमारे को वो। प्रकाश गौड़ साहब क्या बोले? प्रकाश गौड़ साहब ने वोटर्स कितना? अब उनका नाम कहीं को हमको। अच्छा, आपके कितने वोटर्स है टोटल यहाँ? 10-12 हज़ार है। हाँ, कितना है? 10,000 निकलते हैं। हाँ सर बताए सर। मेरा नाम मसूद है। ले लो। यहाँ पे 10,000-12,000 वोटा है। यहाँ पे जो है ना पानी की बहुत तकलीफ है, अब से नहीं है, ये कई जमाने से तकलीफ है। ये मिनिमम 12-15 साल से तकलीफ है। ये यहाँ पे आ रहे हैं, सब MLA आ रहे हैं, उन्होंने आ रहे हैं, इन्हों आ रहे हैं, वो आके क्या करके जा रहे हैं यहाँ पे? हम देते हमारे फंड से देते, वैसा देते, ऐसा देते, बोले मगर कुछ भी नहीं दे रहे। अभी जो है ना वोटों के वास्ते अभी आके जाते जा रहे हैं, कोई भी आ रहे नहीं। हम लोग पूरा ये मुद्दा उठाए कि हम लोग आपको वोट नहीं देंगे। अभी हम आपको वोट दिए तो फायदा क्या है आप लोगों को वोट देके?
तेलंगाना में केजीआर साहब क्या बोलते, एक रुपए में नल आता, सिटी में पानी आ जाता, खरीफ खरीफ है तो पूरा पानी पहुंचाते, वैसा पहुंचाते, ऐसा पहुंचाते, बोलते हमारा कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे सिटी से खरीफ में है हम, अब ये सिटी के बाहर पानी दुनिया के दे रहे, हमारे को नहीं दे रहे पानी, देतों से दुनिया का पानी दे रहे, हमारे पास कोई खतरे का पानी नहीं, आस पास में पानी आ रहा, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, यहाँ खिजरा साल नहीं है पानी, ये तकरीबन 15 साल 12 साल से पानी नहीं है यहाँ पे। सुने जब से अब तक के नए नए बोले तो 12,000-15,000 घर है यहाँ पे, 10,000 के ऊपर घर है यहाँ पे, मगर पानी नहीं है यहाँ पे, पूरे खरीद के फिर है यहाँ पे पानी, फायदा नहीं है ये पानी लगा के आप, और वो टैक्स नहीं बन रही, ये टैक्स नहीं बन रही, वो पैसे दो, ये फंड दो, वो दो, ये दो, सब ले रहे, पर पानी नहीं है, फायदा क्या है, तो वो कर देते, ये कर देते, वो दे रहे हैं, कुछ भी वोट नहीं दे रहे किसी को, किसी को इस बार वोट नहीं देंगे हम लोग, पूरा पूरा मुद्दा यही बने हुआ है कि किसी को वोट नहीं देंगे हम, कोई भी आके जाएंगे हाँ हाँ मुंह मिलाए, जब तक के पानी हमारे को नहीं देंगे, और ये बोले हुए है सब जगह, ये बोले हुए है आपको पानी इतना जल्दी पहुंचेगा, बैगन नहीं पहुंचता पानी अभी तक अपने, और पहुंचेगा भी नहीं अपने को पानी, खाली बातें कर। मैं एक नेवल ऑफिसर हूँ, यहाँ पे 12 साल से रह रहा हूँ, मेरा लास्ट रैंक कैप्टन कमांडर से रिटायर हुआ मैं, 12 साल से हम लोग पाशा कॉलोनी में रह रहे हैं, और हर साल से यही कमिटमेंट आ रहा है कि पानी आएगा बोल के, आज तक पानी कभी नहीं आया हमारे को फ्रेश वाटर, और पूरे कमिटमेंट्स है कि फ्रेश वाटर के लाइन्स आ गए बोल के, रिस्पेक्टिव जितने भी एजेंसीज थे, जितने भी लोग थे, लीडर्स थे वगैरह, सब आके कमिटमेंट दिए हुए, कोई पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर पूरा खत्म हो चुका है, हमारे बड़े बड़े फैमिलीज हैं यहाँ पे, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके इश्यूज़ है, डे टू डे इश्यूज़ है, खानी पानी, ये पानी एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, अगर ये बेसिक नेसेसिटी अगर आदमी को अगर नहीं मिली तो आदमी परेशान हो जाता, तो हमारी बहुत बेसिक नेसेसिटी है, ये हमारा राइट है पानी मिलने का, इस बार वोट जा रहे, और हम लोग ये हम लोग यहाँ पे अब रोड पानी बनने का एक ही कंडीशन है कि हम वोट देंगे, जब तक कि अगर हमारे को पानी नहीं मिला हम रोड। ठीक है सर, बोलिए सर, आपका नाम क्या है? सर, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अली, प्रेसिडेंट ऑफ दिस खिजरा एनक्लेव वेलफेयर एसोसिएशन। वी हैव बीन ट्राइंग फॉर द वाटर फॉर मेनी इयर्स, एवरी टाइम पॉलिटिशियंस कम एंड मेक फॉल्स प्रॉमिसेस एंड दे हैव बीन एंजॉयिंग ऑन अवर टैक्स मनी। Whenever we buy a small pen, we have to pay tax. Whenever we buy the clothes, we pay tax. For house tax, we pay them. So with all this money, where it is going? If you cannot provide minimum basic need of the water, do you have the eligibility to be in assembly or in the parliament? Do you have any eligibility? Are you not feeling shame to use our money and enjoying all facilities? Whether it is in parliament or whether it is in assembly, you have been using our tax money, our hard-earned money, and you are not providing water for us. This is very, very shameful on your part. Whoever it is, to whomever the party they belong, they must be shameful for this act. When the people are not having drinking water, they have no eligibility to be a ruler, to be a MLA or MP. They are our political representatives. They are not our leaders. They have no quality of leadership. They are only political leaders. They are only political representatives without any proper brain, without any strategy, without any planning. If you cannot provide water, then what is the use of you ruling for 5 years? Whatever may be the party. And even Mr. Prakash Gowd, who is the MLA of Rajendra Nagar, he ruled for 2 terms in Telugu Desam, and third time he turned and he changed to TRS, saying that for the sake of water. Where is the water? He is getting all the facilities, he is getting all the concessions and all the sanctions from the government, and they are enjoying with our money, with our hard-earned money. So you people should feel shame for this. You have no right to say yourself as MLA or MP. And we have come to this conclusion that we will not vote for you. We will not vote for anybody. We boycott the vote. That is the reason why the nationalisms and the radicals are trying and enlightening the people. We are here in the city, in the part of democracy. We have been voting every time and we have been deceived. So you people. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत, गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हों, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्राइन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।